सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज जो वीडियो लेक्चर नंबर होने वाला है वो आपका 10 होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर हमने 9 तक आपको करा दिए है, अगर आपने एक भी मिस कर दिया है तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए क्योंकि उनसे आपके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम आपके कंसेप्ट अच्छे अच्छे क्लियर कराएंगे। तो इससे पहले मैंने इसी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आपको कराया था, पर वो इजी था, पर ये उससे थोड़ा हाई और वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इन क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारा ये जो चैनल है इसे आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में जाकर के बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। तो इसकी मैंने मीनिंग लिख दी है दोनों तरफ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आपको ढूंढने में, ठीक है। अब वहां पे जाके सब्सक्राइब करना, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप चेकआउट कर लेना। हमने कई चैप्टर आपके कराए हुए हैं तो आपको सभी के कंसेप्ट आपको बताए हैं हमने। एचसीएफ एलसीएम हो गया आपका, इससे पहले मैंने एवरेज कराया, ठीक है, उससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया, नंबर सिस्टम कराया, तो सबके कंसेप्ट आपको क्लियर कराए। और ये जो मैं कंसेप्ट आपको कराता हूँ ये सभी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएंगे, एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे यहाँ से नहीं बच सकता क्योंकि आपके यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, ढेर सारा क्वेश्चन कराने, वो मुझे नहीं कराने हैं। मुझे केवल क्या कराना है, मुझे आपके कंसेप्ट कराने जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। तो चलिए चलते हैं वीडियो को करते स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी पहला क्वेश्चन का मतलब है 36, यानी इससे पहले मैंने 35 तक आपने करा दिए हैं। देखिए क्या कह रहा है, तीन धावक हैं यानी तीन रेसर हैं, रेस मारने वाले तीन लोग हैं और तीन धावक हैं, वो ए बी सी, तीनों क्या है, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, एक ए नाम का है, एक बी नाम का है और एक सी नाम का है। पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरीके से तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीन ये धावक हैं हमारे एक 25 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, यानी 25 किलोमीटर लंबा एक वृत्ताकार पथ है, ये आपका पथ मैंने मान लिया, तो इसकी लंबाई इन्होंने कितनी दी है 25। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहीं पे आगे खत्म होता है, तो यहाँ तक इसकी कितनी हो जाती है 25 किलोमीटर की ये दूरी है, क्या यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद ये यहीं पे आगे खत्म हो गया सेम टू सेम इसी प्लेस पर, तो ये 25 किलोमीटर का पूरा वृत्ताकार ये आपको पथ दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पर दौड़ते हैं, क्या करते हैं, ये दौड़ते हैं, वे एक ही स्थान से यानी एक ही प्लेस से, यानी इसी प्लेस से वो क्या करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं। यानी तीन व्यक्ति हैं, जैसे ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, तो क्या है, ए ये है, बी ये है और सी ये है, ये तीनों व्यक्ति हैं, ये यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं से एक ही दिशा में, वह एक ही दिशा में चलते हैं, इसी दिशा में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक इधर पीछे की साइड पे दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड पे ये तीनों दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं और एक ही समय पर वो चालू होते हैं दौड़ना, यानी टाइमिंग उनकी क्या है, टाइमिंग उनकी सेम है, एक ही टाइम पर उन्हें दौड़ाया जाता है, सबको एक ही टाइम पे दौड़ाया जाता है। और उनकी जो दौड़ने की स्पीड है वो आपको दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर और ये 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा और ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर और ये 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं, क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं, कितनी देर बाद वो है पुनः एक साथ मिल जाएंगे, कितनी देर बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएंगे, यानी यहाँ से वो दौड़ना चालू हुए, यानी इसकी जो स्पीड है इसी स्पीड से ये दौड़ेगा, ये अपनी स्पीड से दौड़ेगा, ये अपनी स्पीड से दौड़ेगा, तो ये कितने समय बाद ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो ये क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितनी देर बाद, यानी टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तीनों का, तो टाइम तो हम निकालेंगे, पहले टाइम निकाल लेते हैं हम ए का, तो हम लिखेंगे टी ए, ठीक है। यानी देखिए सूत्र क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा टाइम बराबर है, डिस्टेंस तो यही रहेगी और स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है।
क्या कर दिया मैंने, ये जो स्पीड है वो इधर आवा दी और ये टाइम इधर की साइड से चला गया। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइम निकाल रहे हैं तो हमें क्या डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, कितनी है 25 किलोमीटर की, और ये स्पीड कितनी से चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो 5 किलोमीटर का अगर इसमें भाग लगाए तो 5 का तो कितना टाइम निकल के आएगा, तो 25 ठीक है, तो 5 आर कितना आया, 5 आर आया, किसका आ गया, टी ए का आ गया 5 आर। तो ये जो ए वाला पर्सन है वो टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है। इसी प्रकार से अगर टी वी निकाले हम टी वी ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस तो सभी क्लियर, ए भी समान डिस्टेंस है उनकी कितनी 25 किलोमीटर सबकी है डिस्टेंस ठीक है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस है पर वो स्पीड कितनी चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो इसे अगर हम काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 25 और 5 × 10 ठीक है, तो ये आ गया आपका आर। तो टी वी इज इक्वल टू आ गया आपका 5/2 आर। इस तरीके इसका टाइम निकाल लिया, ऐसे ही हम टी सी निकालेंगे, टी और सी, टी में से टाइम, सी में सी का ठीक है। तो टाइम सी का कितना हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर की दूरी है, सभी समान ही दूरी कवर कर रहे हैं, पर 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, स्पीड इसकी 15 किलोमीटर पर आवर से काट देंगे तो 25 और 5 × 15 ठीक है। तो ये आ गया जो टी सी आपका है, टी सी का टाइम आ गया कितना 5/3 आर ठीक है। अब तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तभी आपको एक करेक्ट उनका टाइम मिल पाएगा कि वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे ठीक है। तो इन सब का हमें निकालना है एलसीएम। तो ये सब लिख लेते हैं हम, टी ए टी बी टी सी ठीक है। तो टी ए का हमने रखा तो 5 आर है इसका कॉमा, और इसका जो दूसरे वाले का है वो कितना है 5/2 आर, और ये तीसरे वाले का जो कितना है वो है आपका 5/3 आर ठीक है। इनका एलसीएम निकालिए। तो कल हमने बताया था अंश और हर वाले जो होते हैं क्वेश्चन, उनका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ठीक है। तो यहाँ एक मान लीजिए, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमें एलसीएम तो चाहिए न्यूमरेटर, यानी आपका अंश का एलसीएम चाहिए, किसका चाहिए, अंश का, तो चाहिए हमें एलसीएम। एलसीएम हमने कहा था जो निकालते हैं उसके अंश का वही लेते हैं एलसीएम, और जो हर होगा आपका डिनोमिनेटर उसका आप निकालेंगे क्या, एलसीएम ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालिए। तो इसमें देखिए, तो पहले वाले का क्या है, अंश का एलसीएम देखिए, तो 5 5 5 सम में 5 5 है तो 5 कॉमन आपको मिल गया तो 5 हो गया ठीक है 5। और नीचे कितना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3 का 2 का और 1 का, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं मिलता, केवल एक कॉमन मिल सकता आपको, तो कितना आ जाएगा 1 ठीक है। तो 5/12 आर, तो सबको कितना लगेगा टाइम मिलने में, तो ये 5 घंटे बाद सही मिलेंगे, कितने बाद मिलेंगे 5 आर बाद, 5 घंटे बाद ये सभी मिलेंगे, यही आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा, 5 घंटे बाद ये सभी आपस में मिल जाएंगे, 5 घंटे जब पूरे हो जाएंगे कवर तब ये मिलेंगे आपके ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल आपको इसका डायग्राम बनाकर भी बताया था, क्वेश्चन जब कराया था तो वो आपका सिंपल सा आपको टाइमिंग दी हुई थी, एक 5 मिनट में करता है, एक 10 मिनट में करता है, और एक की स्पीड है वो कितनी थी, वो आपका 15 मिनट में कर रहा था ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल एक क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा इस तरीके से ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन रह गया आपका, ये 37 क्वेश्चन, इसे आप करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम टू सेम। यहाँ पर कितनी दी है 16 किलोमीटर पर आर, यहाँ पर डिस्टेंस दे दी है इनकी, तो आप सभी का टाइम निकाल लेना क्योंकि इनकी स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर आर, 6 किलोमीटर पर आर और 8 किलोमीटर पर आर ठीक है। तो ये सबकी स्पीड दी हुई है, तो इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, उनका टाइमिंग निकालोगे, और टाइमिंग निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जैसे ही एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क होगा इस वीडियो में ठीक है। तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे रिश्ते विदा, थैंक यू।